गाइज वेलकम टू द टेक बीकर। आज हम देखने वाले हैं गाइज डेस्कटॉप के ऐसे चार फ्लैग्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आप गूगल क्रोम में टैब्स को हॉरिजॉन्टली कैसे ओपन कर सकते हो स्मार्टफोन में, तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके देख सकते हो। तो गाइज हम फ्लैग्स स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑन दिस लिस्ट इज क्यूआर कोड। अभी गाइज मैं आपको कोई भी क्यूआर कोड नहीं बता रहा हूँ, क्यूआर कोड स्कैनर नहीं बता रहा हूँ। ये एक मस्त वाला कह सकते हो फ्लैग है। तो यहाँ आपको ना सर्च कर लेना है chrome:// flags। ओके, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाइज। ओके, chrome:// flags आपको सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्च फ्लैग्स का, और यहाँ पे आप सर्च करिए QR। तो जैसे ही आप QR सर्च करोगे तो आपको यही ऑप्शन दिखेगा, इनेबल शेयरिंग पेज वाया QR कोड। तो यहाँ पे आपको इनेबल दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इनेबल कर रखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको इनेबल करना है, और आपको ये ऑप्शन आएगा रीलॉन्च का, तो इसको रीलॉन्च कर ले एक बार, आपका क्रोम जो है वो एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद वो फ्लैग जो है वो इनेबल्ड हो जाएगा। इनेबल्ड होने के बाद बहुत सही, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे भाई गाइज मैंने साइड में ये एक साइट रीलोड करके रखी, आप चाहते हो कि जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि वो आर्टिकल जो है वो आपके स्मार्टफोन पे विद इन सेकेंड्स ओपन हो जाए, तो ऐसा कोई वे नहीं है गाइज जिसे आपके साइट की जो लिंक है विद इन सेकेंड आपके स्मार्टफोन पे भेज पाओ। तो ये फ्लैग आपको उसके लिए ही काम आएगा। आपको क्या करना है गाइज, ये जो साइट का जो URL दिख रहा है आपको ऊपर, इस पर एक बार क्लिक करो, और यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखेगा QR का, कुछ इस तरह का, ये देखिए, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे गाइज आपको एक QR कोड दिखेगा। अब गाइज ये QR कोड किसका है, तो आपने जो साइट ओपन कर रखी हुई है उसका ये फ्लैग एक QR कोड जनरेट कर देगा, और ये QR कोड आपके स्मार्टफोन में स्कैनर आता है, उस स्कैनर से आप जैसे ही स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद वो आपको उस साइट पे रीडायरेक्ट कर देगा आपके स्मार्टफोन में। तो गाइज आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट वे है आपकी साइट्स ओपन करने के लिए। तो गाइज डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। नेक्स्ट ऑफ ऑन दिस लिस्ट इज टैब सर्च। सो आपको जाना है इस वाली विंडो में, यहाँ आपको सर्च कर लेना है chrome:// flags, और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो आप अगर जूम इन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा chrome:// flags, एंड यहाँ पे सर्च करने के बाद जस्ट इसे इनेबल करिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन ये आएगा रीलॉन्च क्रोम का, रीलॉन्च कर ले आपको, तो गूगल क्रोम रीलॉन्च होगा और फ्लैग इनेबल्ड हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये फ्लैग इनेबल्ड हो चुका है, और आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये फ्लैग देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है इसका। और यहाँ पे आपकी पूरी टैब्स देखने को मिलेगी आपको, यहाँ से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो टैब पे, और यहाँ पे आप उसे डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हो। सो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। थर्ड अप ऑन दिस लिस्ट इज वीडियो तो स्टार्ट है, थर्ड अप कौन सा लेते हैं, या पीडीएफ व्यूअर ले लेते हैं, पीडीएफ व्यूअर। सो गाइज थर्ड अप ऑन दिस लिस्ट इज पीडीएफ व्यूअर अपडेट। तो गाइज मैं आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पीडीएफ व्यूअर नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ व्यूअर बताऊंगा जो आपके क्रोम में इनबिल्ड आता है। तो उसके लिए आपको फिर से जाना है क्रोम फ्लैग्स पे, और यहाँ आप सर्च कर लो पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ सर्च करोगे तो आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा पीडीएफ व्यूअर अपडेट, इसको जस्ट इनेबल कर लो,
ये डिफॉल्ट पे अभी सेट है, इसको इनेबल करके जस्ट रीलॉन्च कर लो क्रोम आपका। जैसे ही रीलॉन्च करोगे तो आपका पीडीएफ व्यूअर है वो इनेबल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि वो कैसे वर्क करेगा। अब गाइस मेरे पास डाउनलोड में मैंने एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो गाइस मेरे पास कुछ इस तरह का एक पीडीएफ है, तो यहाँ पे शो इन फोल्डर का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करो और ये रहा मेरा गाइस पीडीएफ व्यूअर। तो इस पर मैं गाइस राइट क्लिक करता हूँ और आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ का। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ। अगर पीसी थोड़ा सा स्लो चल रहा है सो दैट्स व्हाई, बहुत टाइम ले रहा है वो, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद ऑप्शन आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल क्रोम पे क्लिक करो एंड देन गूगल क्रोम में जो इनबिल्ट पीडीएफ व्यूअर आता है उसके थ्रू ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको सारे बेसिक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे फिट टू पेज है, देन रोटेशंस आपको देखने को मिलती है, आप रोटेट कर सकते हो, देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। और मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन गाइस इसमें यूनिक सा ऑप्शन ये लगा कि यहाँ पे इन्होंने टू पेज व्यू का ऑप्शन दे रखा है, मतलब आप दो पेजेस को एक पेज में श्रिंक कर सकते हो, बट लैंडस्केप में होता है वो, एक्चुअली पोर्ट्रेट में तो होगा नहीं। सो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये दो पेजेस है, तो मैं यहाँ पे टू पेज व्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए गाइस ये लैंडस्केप में उसको श्रिंक कर लेता है। सो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। सो गाइस द क्रोम फ्लैग्स वाले इस पेज पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो रीडर मोड, या सिंपली आप रीडर भी सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, रीडर मोड इसको जस्ट इनेबल कर लो एंड जस्ट रीलॉन्च क्रोम कर लो, जस्ट इनेबल इट एंड रीलॉन्च। तो जैसे ही आप रीलॉन्च करोगे तो ये फ्लैग इनेबल हो जाएगा। अब इसका गाइस काम बहुत ही सही वाला काम करता है ये। जैसे मैंने अभी एक साइट ओपन करके रखी हुई है गाइस, अब यहाँ पे आप इस साइट पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी एड्स आपको देखने को मिलती है। और इस आप कोई भी अगर गूगल पे कोई भी साइट ओपन करते हो ना तो उसमें एड्स तो देखने को मिलती है, और अगर बहुत लॉन्ग आर्टिकल्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही लेंथी दे रखी होती है। ओके, और जो मेन मेन टॉपिक्स है आप पढ़ नहीं पाते हो इजीली, तो ये फ्लैग क्या करेगा गाइस, आपके आर्टिकल को इतना मिनिमल और कॉम्पैक्ट बना देगा कि आप लॉन्ग आर्टिकल्स बहुत ईजिली पढ़ पाओगे और एक एडलेस डिज़ाइन बना देगा। तो आपको क्या करने के इस साइट की ये जो लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉप मेनू दिखेगा, एंटर द रीड मोड, और जस्ट एक बार आपकी साइट जो है रिफ्रेश होगी और अभी देखिए गाइस आर्टिकल जो है एकदम मिनिमल सा लग रहा है और ईजी टू रीड लग रहा है मुझे, और आई फ्रीक्वेंटली यूज इट टू रीड फॉर लॉन्ग आर्टिकल्स। सो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। सो गाइज बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, और जस्ट सी यू, टेक केयर एंड गुड बाय।